सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्ता विश्वामित्रो ब्रह्मवेत्ता सृष्टिसृष्टि प्रतिख्याता महावीरो महातेजो विश्वामित्रो महामुनिः। महामंत्री महाराज, किसी को युवराज के पास भेजिए और उनसे कहिए कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जो आज्ञा। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। पिताश्री ने फिर कहलवाया है आर्यपुत्र कि शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त से कहो कि वो हमारी प्रतीक्षा करना सीखे। सब क्या उसका ये साहस कि वो अपने होने वाले राजा की प्रतीक्षा करने से इनकार कर दे? यदि हम चाहें तो हमारे एक बार सूर्य के रथ को भी रोक सकता है। परंतु सूर्य के रथ को रोकना नहीं चाहिए आर्यपुत्र। चलो, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम मुहूर्त का कहना मान लेते। मैं महोदया और उसके राज सिंहासन को सादर प्रणाम करता हूं। मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि विधाता ने मुझे सिंहासन और महोदया के जन समुदाय की सेवा करने का अवसर दिया, और मैं आशा करता हूं कि राजा होने के नाते मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। आज मैं महोदया और इस सिंहासन से विदा होने की आज्ञा मांग रहा हूं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मुझ में अब मुकुट का भार संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। मैं आशा करता हूं कि मेरा पुत्र विश्वरथ अपने आप को आपके स्नेहपूर्वक सहयोग के लिए और विश्वास के योग्य सिद्ध करेगा। हे पुत्र विश्वरथ, ये राज मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठने का अर्थ ये नहीं कि तुम इस जन समुदाय के स्वामी हो गए। ग्वाला गाय का सेवक होता है, स्वामी नहीं, दूध गाय के थन में होता है, राजा के आदेश में नहीं। माली पेड़ पौधों का सेवक है, स्वामी नहीं। फल और सुगंध
पेड़ पौधों की संपत्ति है, माली की नहीं। सुगंध माली के आदेशों की प्रतीक्षा नहीं करती। राजमुकुट वास्तव में दायित्वों की भारी गठरी है पुत्र, जिसे राजा जीवन भर उठाए रहता है। हे पुत्र, यह सदैव याद रखना कि राजा स्वामी नहीं, सेवक है, और यह उसका परम कर्तव्य है कि वो अपने जन समुदाय को सुखी, संतुष्ट और सुरक्षित रखने का प्रयत्न करे। हे पुत्र, राजा की कमर में लगी तलवार जन समुदाय के सुख और संपत्ति की रक्षा के लिए होती है। वो राजा बड़ा ही मूर्ख होता है जो इस तलवार को अपनी मान ले और अपनी महत्वाकांक्षा की प्यास बुझाने के लिए इस तलवार का दुरुपयोग करे। राज्य में राजा ही केवल ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता, जिसके पास केवल कर्तव्य होते हैं, कर्तव्य। और इसीलिए उसकी मुद्रिका उसके अधिकारों का चिन्ह नहीं है, बल्कि कर्तव्यों का प्रतिबिंब है। हे पुत्र विश्वरथ, मैं तुम्हें इस आशा के साथ अपने पूर्वजों के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करता हूं कि तुम अपने पूर्वजों की परंपराओं का आदर करते हुए अपने आप को जन समुदाय का स्वामी नहीं, सेवक मानोगे। और हे पुत्र, ये कभी ना भूलना कि अभिमान राजा का अलंकार नहीं, वो दीमक है जो राज्य और राजा दोनों को चाट जाता है। हे पुत्र, इस सिंहासन पर विराजमान इतिहास को सादर प्रणाम कर अपना स्थान ग्रहण करो पुत्र। Come on.
क्या हुआ आर्यपुत्र? अपने विषय में हमें हार जैसा शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता प्रिय, चाहे वो हार क्रीड़ा में हो या युद्ध में। इसलिए हम इन पांचों को मृत्यु दंड देते हैं जिन्होंने हमारा अपमान किया है। पड़ गया आर्यपुत्र, तुमने चौसर में हमें हरा कर यह याद दिला दिया है प्रिय कि हमने अब तक जीता क्या है। तो यह कौन सी चिंता की बात है? चिंता का विषय तो है ही प्रिय, तुम ही सोचो वो कैसा ब्राह्मण होगा जब पूर्वजों की प्राप्त की हुई विद्या के धरोहर से संतुष्ट हो जाए। वो कैसा क्षत्रिय होगा जो धरोहर में मिली सीमाओं से संतुष्ट होकर न्याय और अन्याय की दलदल में धसा खड़ा रहे। और वो कैसा व्यापारी होगा जो अपने व्यापार को बढ़ाने की चेष्टा न करे। यदि मनुष्य सपने ही न देखे तो आंखों का इससे बड़ा और क्या अपमान हो सकता है प्रिय? सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं आर्यपुत्र, किंतु आंखें बंद करके जीने से आंखों और जीवन दोनों ही का अपमान अवश्य होता है। अर्थात हम सेवक बन जाए उन कीड़े मकोड़ों के जिन्हें पिताश्री जन समुदाय कहा करते थे, अर्थात हमारा जीवन उनके अधीन हो जाए, अर्थात हमारी महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं। क्या हम नदी को छोड़ दें और अपना सारा जीवन एक कटोरे भर पानी से संतुष्ट रहने में बिता दें? हम राजा हैं प्रिय राजा, और हमारी राज्य की सीमाओं को हमारी सेना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किंतु आर्यपुत्र, आप जिन सीमा रेखाओं को मिटाना चाहते हैं उन सीमा रेखाओं का दोष क्या है? उनका दोष यह है रानी, वो हमारी महत्वाकांक्षा का मार्ग रोक रही है। महाराज विश्वरथ की जय! महाराज विश्वरथ की जय! महाराज विश्वरथ की जय! महाराज, बंद करो इस जय जयकार को। ऐसा हमने क्या कर दिया है जो जय जयकार से आप इस सभा को प्रतिध्वनित कर दें? पिताश्री ने हमें जो ये सिंहासन दिया है हम केवल उस पर आसीन हैं। हमें जो ये राज्य दिया है हम केवल उस पर शासन कर रहे हैं। क्या स्वयं हमने इस राज्य का विस्तार किया है? क्या हमने इस राज्य की सीमाएं बढ़ाने की चेष्टा की है? नहीं की है। इसलिए आज हम ये निर्णय लेते हैं कि राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए युद्ध की घोषणा करें। ऐसा आप क्यों कहते हैं राजन? आपका जन समुदाय सुखद है, देश संपन्न है, देश में दूध की नदियां बह रही हैं, अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमारे प्रति उनका अपार गौरव है। युद्ध की घोषणा से अशांति फैल जाएगी, प्रजा की सुख शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। अतः युद्ध की नहीं जन कल्याण के कार्यों की घोषणा कीजिए महाराज। जन कल्याण के कार्य तो मंत्री स्वयं करवा सकते हैं, इसके लिए राजा को अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और राजा भी क्या राजा जो अपनी वीरता से अपने क्षेत्र का विस्तार न करे। राज्य का विस्तरण तो राजा का परम धर्म होता है। अतः इस युद्ध के लिए अभी प्रस्थान किया जाए, यह हमारा आदेश है। यह आदेश ना दो राजन। हमारी सभा में ब्रह्म ऋषि गौतम का स्वागत है। आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं, हम युद्ध पर जा रहे हैं, हमें विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। यह ऋतु युद्ध के लिए उचित नहीं है राजन। यह वो ऋतु है जब भूमि को कृषि बल की आवश्यकता होती है, और किसी ऋषि का आशीर्वाद भूमि के हितों के विरुद्ध नहीं जा सकता। ये तो आप आ गए थे इसलिए हमने आशीर्वाद के लिए कह दिया था। हम ऋषि नहीं हैं जो भिक्षा मांगे, चाहे वो भिक्षा आशीर्वाद ही क्यों ना हो। हम क्षत्रिय हैं और अपने बाहुबल के सहारे ही युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। अभिमान के पास न सत्य सुनने वाले कान होते हैं
और ना ही सत्य का मार देखने वाली आंखें। अभिमान एक असाध्य रोग है राजन। मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको इस रोग से मुक्ति दिलाए। आपके लिए मेरे पास और कोई आशीर्वाद नहीं। महादेव की सौगंध, यदि आप ऋषि न रहे होते तभी आप जहां बैठे हैं वहां आपका शव पड़ा होता। कोई कुछ भी बोले, हम युद्ध यात्रा पर जाएंगे और अवश्य जाएंगे और विजय श्री पाकर ही लौटेंगे। महोदया देशवासियों, सबको विदित किया जाता है कि राजा विश्वरथ युद्ध यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे राजा विश्वरथ का आदेश है कि 18 से लेकर 50 की आयु के देश के सभी नागरिक, चाहे वो कृषिधारी क्यों ना हो, उनके सैनिक बनकर उनके युद्ध यात्रा पे अवश्य जाए। चलो छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ए, चलो हमारे साथ चलो। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। ए, चलो भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो। चलो ले चलो सबको। ए, चल छोड़ दो। Thank you.
सेनापति जी महाराज, यह आश्रम किसका है? यह ब्रह्मसी वशिष्ठ का आश्रम है महाराज। आज रात हम यहीं पड़ाव डालेंगे। जी महाराज। माताश्री, कोई समस्या है पुत्र? मेरे पास तो केवल एक समाचार है माताश्री, किंतु ये तो पिताश्री ही बता सकते हैं कि ये केवल एक समाचार है या समस्या भी। पहेली न बुझाओ पुत्र, कहो क्या समाचार है। समाचार ये है माताश्री कि महोदय नरेश विश्वरत्न ने आश्रम के निकट ही पड़ाव किया है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है, तुम तो ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम स्वयं जाओ और उन्हें अपने पिता की ओर से आश्रम में आमंत्रित करो। जो आज्ञा। मैं महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। आप यहां प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम महाराज। ब्रह्मऋषि वशिष्ठ का ज्येष्ठ पुत्र आया महाराज। अंदर ले आओ उन्हें। प्रणाम राजन, मैं ज्येष्ठ वशिष्ठ पुत्र शक्ति हूं राजन। आओ ऋषि पुत्र आओ। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ऋषि पत्नी कैसे हैं? ईश्वर की कृपा है राजन, माताश्री ने कहलवा भेजा है कि आप आश्रम में अवश्य पधारें। उनसे कह दो कि हम कल प्रातः अवश्य आएंगे। सृष्टिकर्ता लोककर्ता सर्वकारणकर्ता विश्वामित्रो ब्रह्मवेत्ता सृष्टि सृष्टि प्रतिख्याता महावीरो महातेजो विश्वामित्रो